ख्वाबों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत सारे सवाल उठते हैं, उनके बहुत सारे जवाब आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, बहुत सारी बातें आपको देखने सुनने और पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप उनको एक तरह से बेसिक तरीके से समझना चाहें कि ख्वाब क्या होते हैं और क्यों आते हैं, तो उसकी वजह समझने की यह है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी, हमारी मेमोरी में जितनी चीज़ें हैं, बहुत पुरानी से लेके रीसेंट आज कल में जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, आपने देखा है, सुना है, जो एक्सपीरियंस किया है, उन सब चीज़ों को मेमोरी स्टोर कर रही होती है। और जब सो रहे होते हैं तो मुख्तलिफ मेमोरीज को उठा के, उनको मिला के, एडिट करके एक मूवी बना देती है, जो कि बाज़ दफ़ा एंटरटेनिंग होती है और बाज़ दफ़ा ड्रावने ख्वाब की शक्ल लेती है। तो ये जो ड्रावने ख्वाब हैं या कोई भी ख्वाब है, उनके बारे में दो चीज़ें समझी जा सकती हैं। एक बात यह है कि ये उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपके जहन में क्या मामले हैं उस वक्त, उस दिन, उस रात, जो कि आप हो सकता है उसके बारे में उस वक्त सोच ना रहे हों जब आप सोने गए थे, लेकिन वो आपके जहन के बैकग्राउंड में, कोई परेशानियां हैं, कोई किसी चीज़ों की तकलीफ है, कोई फियर्स हैं, कोई चीज़ें सोचने के लिए हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और वो जो है आपके ख्वाब में एक बुरे ख्वाब के तौर पर आ सकती है। और दूसरी वजह जो उसकी हो सकती है वो ये है कि आपकी बॉडी में, ख़ास तौर पर जिस वक्त आप सो रहे हैं, अगर कोई तकलीफ है, तो वो तकलीफ आपको एक मैसेज के तौर पे आपके ख्वाब में आती है, इस तरह के वो आपको, बॉडी आपको बताना चाह रही है कि आपको इस प्रॉब्लम को हल करने की ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल सी बाज़ चीज़ें आपने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर किसी को बाथरूम जाने की ज़रूरत है और तो उसको ख्वाब में आता है कि जैसे वो बाथरूम में बैठा हुआ है, और इस तरह की होती हैं चीज़ें कि अगर किसी को बहुत खराटे ले रहा है, सांस नहीं आ रही है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो ऐसे ड्रावने ख्वाब आते हैं कि जैसे सीने पे कोई बैठा हुआ आपको गला दबा रहा है। जो बाज़ ख्वाब ऐसे होते हैं, बहुत कॉमन है, जो लोगों को आते हैं, जैसे कि कहीं से आप गिर रहे हैं या कोई आपके पीछे भाग रहा है जो आपको मारना चाहता है। इस सारे ख्वाबों के सिचुएशन में अच्छी बात यह है कि ख्वाब के दौरान, इस मूवी के दौरान कभी कोई मरता नहीं।